वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है जी। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, गैर सर वीडियो बनाए, क्या एक पीआर मिल जाती है न्यू बॉर्न बेबी इन यूके? जी हाँ, ये कम से कम नहीं तो 70-80 मैसेज आते रहते हैं वीकली। मेरे पास टाइम नहीं था, माल्टा आपको देखते पीछे माल्टा है, यहाँ पर लोगों को बताता हूँ वो किस तरह जो आप ढूंढ सकते हैं, और पीछे वो मेरे पीछे माल्टा हिल्टन है जहाँ पर लास्ट टाइम मैं ठहराता हूँ। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक है, क्या यूके में न्यू बॉर्न पर पीआर मिल जाती है? जो लड़के स्टडी करने आते हैं या जिनका कोई वीज़ा डिफरेंट होता है, जिनका ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं, जिनको नॉन ईजी लोग बोलते हैं, तो इस वीडियो के लिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक सॉलिसिटर की क्लिप दिखाऊंगा, और इसके अलावा मैं आपको एक लीड्स यूनिवर्सिटी उसकी वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा और एक आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा जो आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा कि यूके में पीआर मिलती न्यूबॉर्न के नहीं मिलती। इसके लिए मैंने बहुत सर्च की है, 3 दिन लगे हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरा हक मुझे दे देना, मेरा वीडियो लाइक कर देना, इसे लगे जिसको मेरे पीठ पर हाथ रखकर बोला गैरी भाई ऐसे वीडियो और लेकर आओ हमें मोटिवेट करने के। तो वीडियो को दिल खोल के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। ना तो मैं वकील हूँ ना ही मैं एजेंट हूँ, ये सब वही चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है यू मस्ट गो टू इमिग्रेशन सॉलिसिटर और प्लीज़ गो टू गवर्नमेंट की वेबसाइट जो बाइबल की तरह है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ, मेरे वकील जो चैनल पर आए हैं पहले उनकी क्लिप देखते हैं, चलिए उन क्लिप देखते हैं, उसका डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या कहा है। बच्चों के लिए देखो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप यहाँ आएँ तो बच्चा कर लें तो हम पक्के हो जाएंगे या बच्चा यहाँ पर पक्का हो जाता है। इसके लिए मैंने देसी लोगों के लिए फॉर्मूले बनाए हुए हैं, और ये फॉर्मूले याद रखना कि यहाँ मुल्क में ये होता है कि एक स्टूडेंट होता है उसका स्टेटस कच्चा कहते हैं, पक्का कहते हैं इंडेफिनिट वाले को। सो कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा इक्वल वो भी कच्चा। सो यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई कच्चा स्टूडेंट वाला तो वो मैरी करे कोई स्टूडेंट लड़की से, तो यहाँ पर बच्चा होता है, बच्चा विल नॉट बी ब्रिटिश ऑन बर्थ, बच्चा भी इंडियन ही पैदा होगा जहाँ अपने माँ बाप की नेशनलिटी का पैदा होता है, और उसके पास भी वही स्टेटस होगा जो माँ बाप के पास है। सो अगर कोई दो स्टूडेंट वीज़े वाले बच्चा करते हैं तो बच्चे को भी स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा यूके बॉर्न में, इवन यूके बॉर्न में। कैनेडा अमेरिका इज़ डिफरेंट, वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली उसको नेशनलिटी मिलती रहती है रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। जो ये न्यूज़ बड़ी दिखाते हैं नेट पर बच्चे 7 साल में पीआर मिलते हैं, वो क्या है? वो पीआर नहीं मिलती, वो एक इनका जो ह्यूमन राइट्स पे नियम है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे 7 साल रह जाए या जहाँ कोई बच्चा छोटे ही उम्र में आ जाता है तो 7 साल होते हुए रह जाए तो वहाँ पे आप केस एक फाइल कर सकते हैं हमदर्दी ग्राउंड पे। तो वहाँ के लॉ बनाया हुआ है इन्होंने, यूके लॉ में है कि बच्चा अगर 7 साल यहाँ रह जाए तो उनको डिपोर्ट नहीं करते, तो उस बेसिस से उसको हमदर्दी तौर पे 2.5 साल का वीज़ा दे देते हैं माँ बाप को भी। हाँ, माँ बाप को भी साथ में बच्चे को भी, तो वो 2.5 साल का वीज़ा 4 बार लगता है, उसके बाद पीआर मिलती है। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि आप पक्के हो गए 7 साल तो बाद, वो पक्के नहीं है, इनफैक्ट उनके पास 2.5 साल के वीज़े हैं, वो उससे 10 साल के बाद पैदा हो गए, और ये वीज़े इन्होंने 2012 में लगाने शुरू किए। सो अभी तक पक्का था इस रूट में कोई हुआ ही नहीं, वो तो 22 में होगा पहला जो होगा, जिसका 12 में लगा है वो 10 साल के बाद 22 में होगा, अपा तो 21 में जा रहे हैं। सो इसका ये अगर वो अपने आप को पक्का मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हाँ वो साइकिल क्योंकि ऑन जान की परमिशन मिल गई और पर काम करने की परमिशन मिल गई, उनके लिए यही बहुत है, पर एक्चुअली वो पक्के नहीं क्योंकि इनडेफिनेट नहीं है। तो जब तक आदमी इनडेफिनेट नहीं है तो ये भी एक रूल है, वो अपने कहाँ आगे स्पाउस को नहीं बुला सकता, वो जो 2.5 साल के वीज़े पे होता है वो किसी को नहीं बुला सकता। सो दैट्स वन, कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा, 7 साल के बाद इक्वल पक्का, मतलब कि वीज़ा मिलेगा। कितना कितना खुलकर आपने बताया है, और मुझे भी सुनकर हुआ है कि जो लोग कहते हैं 7 साल बाद ठीक है 2.5 ईयर मिलता है इंसान दे कैन गो बैक टू इंडिया पाकिस्तान, जैसा कि आपने उनकी क्लिप में देखा है उन्होंने ये कहा है कि जो कच्चा मीन्स जिनके पास सिर्फ जिनका ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं है, जब बेबी बॉर्न होता है तो 7 साल यहाँ पर रहता है उनके अकॉर्डिंगली, तो 7 साल के बाद उस बच्चे को 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, जो कि क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड पर मिलता है उसकी जो बचपन उनसे उसके जो चाइल्डहुड है यहाँ पर स्पेंड किया है, तो माँ बाप को भी 2.5 साल का मिल जाता है उसके बेस पर, तो ऐसे 2.5 करके 4 बार मिलता है, और 10 साल के बाद बच्चा अप्लाई कर सकता है यहाँ पर सिटीजनशिप, मतलब कि 17 साल लग जाते हैं माँ बाप को उसको बच्चे को यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट लेते रहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो गाइज ये मेरे वकील ने बताया, आपने खुद देखा, अगर कोई मन में डाउट है आई एम नॉट ए सॉलिसिटर प्लीज़ गो टू
सॉलिसिटर और गो टू गवर्नमेंट यूके वेबसाइट। तो चलिए चलते हैं एक और लीड यूनिवर्सिटी पर और वहाँ जाकर देखते हैं एक यूके यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है और स्टडी करता है और स्टडी करते करते उसकी वाइफ प्रेगनेंट हो जाती है और वो बेबी डिलीवर करती है, तो क्या उनको PR मिलती है और उनको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलिए चलिए लीड्स की वेबसाइट पर, बताया लीड्स यूनिवर्सिटी ने आपको क्या क्या करना है। दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं studentsleeds.ac.uk वेबसाइट है, यहाँ बताया गया इफ़ यू बेबी वाइल यू स्टडिंग इन द यूके देन यू विल नीड टू फाइंड आउट हाउ दिस अफेक्ट यूर योर चाइल्ड। जब आपको बच्चा होता है, आप यूके में स्टडी कर रहे हो, बींग बॉर्न इन द यूके डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक्स ए बेबी बाई ब्रिटिश सिटीजन। ये यूनिवर्सिटी क्लेम करिए कि अगर बच्चे को ऑटोमेटिक ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलती अगर आप यूके में हो, तब बेबी नीड्स टू हैव पेरेंट विद अ ब्रिटिश सिटीजन और सेटल स्टेटस। जैसे कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, देन इट मीन्स बेबी कैन गेट ए ब्रिटिश सिटीजन और आप यहाँ पर यूके में सेटल हो। इफ़ योर बेबी इज़ नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन दे कैन रिमेन इन द यूके विदाउट मेकिंग इमिग्रेशन एप्लीकेशन। हाउएवर फ्रॉम अप्रैल 2015 बेबीज बॉर्न इन द यूके आर नॉट इंटाइटल टू फ्री हेल्थ केयर चेंज फ्रॉम द एज ऑफ 3 months अनलेस इट्स इमरजेंसी। वो कह रहे हैं कि आपको इमिग्रेशन हेल्थ सर्विस देने पड़ेंगे 3 महीने के बाद और या आपकी बेबी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो करेंगे, लेकिन आपको रजिस्टर होना पड़ेगा इमिग्रेशन हेल्थ सर्व चार्जेस के थ्रू थे। तो इसका मतलब कि जब आपका बेबी यूके में पैदा होता है अकॉर्डिंग टू लीड्स वेबसाइट जो पब्लिक डोमेन में है, योर चाइल्ड डज नॉट गेट अ ब्रिटिश सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। तो रही बात थर्ड आर्टिकल की, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको थर्ड आर्टिकल ने क्या कहा है। तो गाइज अगेन आपको पता है वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है, जितना लाइक करोगे, मैं पहला यूट्यूबर हूँ यूके का जिसका 18 एक्सपीरियंस है एज ए फॉर्मर स्टूडेंट्स में, लोग को मोटिवेट करता था कि वो भी अपने सामने बस कर अपने माँ बाप को भी एक जिंदगी अच्छी दे और बहन की शायद टाइम पर। तो वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए। अगेन CV का लेटर बनाना है और 1-to-1 बात करनी करियर के बारे में, पर नो वीज़ा क्वेश्चन अलाउड, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है गैरी पैक, यहाँ पर यूरोप माल्टा में आया हूँ, लोग को बताता हूँ 8, 10, 12 पास लड़के के लिए कौन कौन जॉब निकली पड़ी। तो मेरे पास ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई वीज़ा है। तो चलिए चलते स्क्रीन पर अगेन थर्ड टाइम और देखते हैं वो आर्टिकल क्या है। ये जो एक और आर्टिकल है freemovement.organization.uk, वो क्लेम कर रही है इस बात को कि पैराग्राफ में बताया गया कि चाइल्ड जो यहाँ पर है मस्ट बी ग्रांटेड परमिशन टू स्टे ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ दे आर अंडर 18 दे हैव लिव्ड इन यूके एटलीस्ट फॉर 7 years डिस्काउंटेड एनी प्रूफ इट वुड नॉट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट देम टू लीव। क्योंकि ये यहाँ पर जो फैमिली बेस की ग्राउंड पर जो होता है ना, उसके अगर 7 साल आप यहाँ पर रहते हैं वो डिसाइड करते हैं क्या आपको यहाँ पर जो आपका बच्चा है क्या आपका बच्चा यहाँ पर रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो गाइज़ ये होम ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, पर अगेन अगर आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है यू मस्ट गो टू लीगल सॉलिसिटर और government.uk वेबसाइट जो कि बाइबल से, कोई ना तो मैं वकील हूँ और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। पर अगेन इसमें बताया गया इस पैराग्राफ में कि आप डिसीजन बना सकते हो, कोई बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है और मूविंग होम्स एंड कंट्रीज इसलिए उसको राइट मिलता है यहाँ पर रहने के लिए क्योंकि उसने बचपन अपना 7 साल यहाँ पर बिताए होते हैं। तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, पर अगेन वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया न्यूबॉर्न बेबी का कि 7 साल के बाद PR मिल जाती है, वो भी मिलती है। बताया कि उसको बचपन यहाँ पे आया बच्चा डिसीजन नहीं ले सकता एज पर सॉलिसिटर एज पर लीज यूनिवर्सिटी एज पर दिस आर्टिकल। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया है, तो आई होप आप वीडियो दिल खोल के लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे में आपको मोटिवेट करने के लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा। ऑन द मीन टाइम गाइस जहाँ भी ने खुश रहे बात है और मेरे एक नई वीडियो की वेट करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।